अब 25 तारीख वाला और 1 तारीख वाला मतदान, इसमें हम लोग यकीनन 400 का भी आंकड़ा पार करेंगे। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। लोकसभा चुनाव के अभी 5 ही संग्राम पूरे हुए हैं, अभी 2 चरण के मतदान बाकी है, जिसके लिए सियासी दल अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लेकिन एनडीए का जोश देख ऐसा लग रहा है मानो एनडीए ने सरकार ही बना ली हो। इस बीच चिराग पासवान ने कुछ ऐसा दावा किया कि तेजस्वी यादव की हंसी छूट गई। बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए ने 5वें चरण में ही 350 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है, अगले 2 चरण में 400 पार हो जाएगा। हम लोग इन 5 चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ है, 300 से 315 तक का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। अब 25 तारीख वाला और 1 तारीख वाला मतदान, इसमें हम लोग यकीनन 400 का भी आंकड़ा पार करेंगे। और अगर इस बार पूरा एनडीए मिलकर इतिहास में सबसे बड़ी संख्या के साथ केंद्र में सरकार बनाता है तो उसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चिराग ने 400 पार का दावा क्या किया, तेजस्वी यादव ने बिना देर किए जबरदस्त तंज कस दिया। तेजस्वी यादव ने तो चिराग पासवान को अग्रिम बधाई दे डाली, लेकिन ये बधाई जीत की नहीं कुछ और की थी। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था, और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं। सुना आपने तेजस्वी ने कैसे चिराग के मजे ले लिए। बिहार की सियासत भी गजबे है। बहरहाल आपको बता दे कि अभी तक 5 चरणों में 429 सीटों के लिए मतदान हो चुका है, जबकि बाकी के 2 चरणों में 114 सीटों पर चुनाव होना अभी बाकी है। ऐसे में एक ओर जहां एनडीए अभी से अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी की विदाई की बात कर रही है। आपको क्या लगता है 4 जून को किसकी सरकार बनने वाली है, एनडीए या इंडिया की, ये हमें जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।